गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना आत्म कल्याण की साधना होती है। गायत्री साधना आवश्यक क्यों होती है, इसको करने से क्या होता है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर के योग अग्निमय होने पर उसे कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु भी नहीं होती। आखिर ये योग अग्नि है क्या? ये मानव जीवन सुर दुर्लभ होता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद लाखों वर्ष बाद ये प्राप्त होता है। इस बार इसे व्यर्थ गवा देने के पश्चात लाखों वर्षों के बाद ही ऐसा अवसर आने की संभावना होती है। इसीलिए दूरदर्शी और विवेकशील लोग इसे इंद्रिय विषयों में तृष्णा के जंजाल में फंसाकर इस जीवन रूपी बहुमूल्य संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट करने की अपेक्षा आत्मकल्याण की बात सोचते हैं और उसी में अपनी भावना एवं शक्ति का अधिक उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रकारों ने पग पग पर मनुष्य को शिक्षा दी है कि इन अमूल्य क्षणों को बाल क्रीड़ाओं में, शरीर की गुलामी में बर्बाद ना करके अनंत काल स्थिर रहने वाली सद्गति को उपलब्ध करने में ध्यान दिया जाए। इसी में उसका सच्चा हित, स्वार्थ, लाभ एवं कल्याण छुपा हुआ है। इस आत्म कल्याण की साधना को ही योग कहते हैं। योग साधना द्वारा मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप तथा जीवन का लक्ष्य समझ सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और जो कुछ इस संसार में प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त कर सकता है। बृहदारण्यक में कहा गया है कि आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है। हे मैत्रेय, उसे देखने, सुनने, समझने और अनुभव करने से इस संसार में जो कुछ भी है वह सब जाना जा सकता है। यानी अगर आप आत्मा का अनुभव करने लगें, इस विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप जान ना सकें। आत्म कल्याण की साधना ही योग साधना है और गायत्री साधना ही आत्म कल्याण की साधना है। इसके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित होने के कारण ही लोग साधनाओं को कष्ट साध्य मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इस मार्ग पर चलने से उनकी लौकिक उन्नति में बाधा पड़ेगी। यानी सांसारिक रूप से साधना करने के कारण व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाएगा, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। आध्यात्मिकता के मार्ग को अपना करके साधना पथ पर चलने में केवल परलोक एवं परमार्थ ही नहीं सत्ता, वरन इस लोक में सुख शांति के साधन भी उपलब्ध होते हैं। योग साधना गृहस्थ में रहते हुए भी सुविधा पूर्वक हो सकती है। उसके लिए घर का त्याग करना, विरक्त भ्रमण करना आवश्यक नहीं। साधना से लोक और परलोक दोनों की सफलता मिलती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही पदार्थ साधना से प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही सधते हों वही सच्ची साधना है। लेकिन आज मनुष्य में दूरदर्शिता का अभाव हो गया है। आज थोड़ी कठिनाई उठाकर भविष्य को उज्जवल बनाने पर लोग विश्वास नहीं करते। वे इतना ही चाहते हैं कि आज इसी क्षण हमें अधिक से अधिक मौज मजा करने का अवसर मिल जाए। इस आतुरता में वे कर्म कुकर्म करते रहते हैं, गलत काम कर लेते हैं और तुच्छ कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण मानकर उन्हीं में उलझे रहते हैं। मनुष्य के इस मूर्खतापूर्ण भुलक्कड़पन पर खेद प्रकट करते हुए अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, इस संसार में भूखे लोग बहुत हैं, मुमुक्षु भी दिखाई पड़ते हैं, पर योग और मोक्ष की इच्छा को करने वाले परमार्थी लोग इस संसार में बहुत विरले ही मिलते हैं। योग साधना जो आत्मा का सच्चा कल्याण कर सके वो गायत्री ही है। इस उपासना से बढ़कर ना तो कोई तप है, ना योग साधना और ना ध्यान है। समस्त प्रकार की योग साधनाओं का आधार गायत्री ही मानी गई है। गायत्री मंजरी में कहा गया है कि गायत्री ही तप है, साधन है, योग है, ध्यान है,
यही सिद्धियों की माता है, यानी सारी सिद्धियां प्रदान करने वाली गायत्री माता ही हैं। इनसे बढ़कर श्रेष्ठ तत्व इस संसार में और कोई नहीं। कभी किसी की भी गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। समस्त योग साधनाओं का आधार गायत्री ही है, यानी अगर आप गायत्री साधना करते हैं तो आपको सारी साधनाओं का फल प्राप्त हो जाता है। सारी साधनाओं का आधार ही गायत्री मंत्र है। गायत्री से बढ़कर ना कोई तप है, ना साधन है, ना योग है और ना ध्यान है। सारी साधनाओं का आधार गायत्री ही है। कहते हैं कि गायत्री का आधार लिए बिना आप अन्य किसी भी देवता की साधना कर लें, लेकिन वो पूर्ण नहीं होगी। चाहे वो हनुमान जी की साधना हो, चाहे और किन्हीं भी देवताओं की, भगवान की साधना हो, लेकिन बिना गायत्री का आधार लिए वो साधना कभी आपकी पूर्ण हो ही नहीं सकती। ये अत्यंत गुप्त तत्व है जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया है, इसलिए गायत्री का इतना महत्व है। इसी योग अग्नि का सहारा लेने पर ना कभी कोई रोग होता है, ना बुढ़ापा आता है और ना मृत्यु आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दो प्रकार से ही मनुष्य सूर्य मंडल वेधता हुआ परम पद को पा सकता है, एक योग युक्त होकर और दूसरा धर्म रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरने पर। इसीलिए गायत्री योग को अपनाइए और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहिए। इसीलिए आत्मकल्याण की साधना कीजिए, गायत्री साधना कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।